हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सेसाचलम की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो सेसाचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नम भूमि संरक्षण के लिए वैश्विक संधि का नाम बताइए। नम भूमि या आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो वैश्विक संधि है वह रामसर संधि है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। अर्थ ओवरशूट डे क्या कहलाता है? वह अनुमानित दिन जब मनुष्य किसी नियत वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है, यानी कि वह तारीख जिस दिन मनुष्य ने उस वर्ष के लिए जो निर्धारित प्राकृतिक संसाधन थे उनका उपभोग वो कर चुका होता है, इसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस भी कहा जाता है और अर्थ ओवरशूट डे भी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट ये किस सन में पारित हुआ? 1986। वन संरक्षण एक्ट 1980 और वन्य जीव सुरक्षा एक्ट ये 1972। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा किस रसायन की वजह से होती है? तो अम्ल वर्षा होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT इसकी स्थापना कब हुई? तो 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में। इसकी स्थापना 1972 में। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसे IUCN कहा जाता है, इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय मार्गस स्विट्जरलैंड में है। इसकी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको इस लिस्ट में रखा जाता है, रेड डाटा बुक में। साइट्स क्या है? CITES। साइट्स का पूरा नाम है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, वन्य जीव संरक्षण समझौता है ये प्रकार का, ये पर्यावरण संबंधी एक समझौता है साइट्स, CITES। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज यानी कि वन्य जीवों के जो व्यापार पर देख रेख रखना, इस संस्था का काम है CITES का। इसके बाद है TRAFFIC ट्रैफिक, वन्य जीव निगरानी नेटवर्क है, यह एक NGO है। ठीक है, IUCN और WWF के द्वारा इसकी स्थापना की गई ट्रैफिक की, IUCN और WWF द्वारा। कब की गई? 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? UK के कैम्ब्रिज में है। हांगुल हिरन, इसका जो प्राकृतिक आवास है, हांगुल हिरन कहाँ पाई जाती है? इसके लिए एक अभयारण्य है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में हांगुल हिरन को सपोर्ट दिया जाता है। कश्मीर के दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में हांगुल हिरन पाई जाती है। लाल पांडा परियोजना ये 1996 में आई थी। ये परियोजना, लाल पांडा एक जीव है जिसको कैट बियर के नाम से भी जानते हैं। यह पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, मणिपुर के लोकटक झील में। मणिपुर के लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। और ये यहाँ पर थामिन मृग पाई जाती है,
क्या पाई जाती है? थामिन मृग। ओजोन क्या है? ओजोन का फार्मूला होता है O3। यह एक द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी आतंकवादी किसे कहा जाता है? सफेदा को और यूकेलिप्टस। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई है रोंटजन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंजन ने। आईची लक्ष्य जैव विविधता संरक्षण से रिलेटेड हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ यानी कि मणिपुर में है। केइबुल लामजाओ ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और केइबुल लामजाओ ये कहाँ पर अवस्थित है? मणिपुर में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेयजल में, चलिए थोड़ा हाँ, ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, ये ध्वनि का वेग होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने और सिग्नल देने और छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में कौन सी ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये परासर्व ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि विज्ञान को एकॉस्टिक्स या श्रवण विज्ञान भी कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता की मापन की इकाई है डेसीबल। ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। बायोगैस में मीथेन 60% पाई जाती है। पेयजल में जो नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। ब्लैकफुट आर्सेनिक से, इटाई कैडमियम से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से, ये सब इनकी अधिकता से होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों ही विषैली गैसें हैं, NO और NO2। डुगोंग नामक समुद्री जीव एक स्तनधारी मैमल है। डुगोंग क्या है? एक स्तनधारी मैमल है। इसके बाद हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विश्वतीय वर्षा वन इनको क्या कहते हैं? सेलवास। एलिफेंटा ग्रास इसी को सवाना बायोम की घास, सवाना बायोम की घास को एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। तो एलिफेंटा ग्रास सवाना क्षेत्र में जो पाई जाती है। चैपरल नाम की झाड़ियाँ ये कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। अंगुलहास धारा ये कहाँ चलती है? हिंद महासागर में चलती है। अंगुलहास धारा ये हिंद महासागर में चलती है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश के लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है? तो लाल रंग में। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं जैसे कोहरा है, बादल है, तूफान है, वर्षा है, मेघ गरजते हैं, ये सब क्रियाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डाबसन। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एल नीनो है गर्म जलधारा, ला नीनो है ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ था।
ठीक है। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक ये क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट क्षेत्र पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, डुगोंग क्या है, एक स्तनधारी जीव है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है कौन नहीं है, तो याद रखिएगा डुगोंग, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन आपको पारिस्थितिकी पर्यावरण से रिलेटेड दिए गए हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।